दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग लंबी उम्र तक बिल्कुल फिट रहते हैं, कोई बीमारी नहीं रहती और अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो अपने आप नहीं होता, कुछ नियम होते हैं जीवन जीने के। आयुर्वेद की किताब अष्टांग रिद्धयम, जिसे हजारों साल पहले वाग्भट ऋषि द्वारा लिखी गई थी, उसमें जीवन जीने के तरीकों के बारे में बताया गया है। अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हम भी लंबी उम्र तक स्वस्थ रह सकते हैं। जैसा कि आज अधिकतर लोग मोटापे की वजह से परेशान हैं और मोटापा कई सारी बीमारियों की वजह बनती है और इसका कारण है स्ट्रेस, काम की अधिकता जिसकी वजह से ना समय पर सो पाते हैं और ना समय पर उठते हैं, नशे की आदत, घर का खाना ना खाकर बाहर का खाना। खैर, कई लोगों की मजबूरी होती है जो बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो शौकीन होते हैं, बाहर के खाने का शौकीन होते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड का अधिक सेवन करना, तला भुना मसालेदार खाना, फैट फूड को ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में फैट की मात्रा बढ़ते जाती है और लोग मोटे हो जाते हैं। अगर आप मोटापे को कम करके जिंदगी भर हेल्दी रहना चाहते हो और अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जीना चाहते हो तो कुछ चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आप सही नींद लें, सही डाइट लें, समय पर सोएं, समय पर उठें, सुबह शाम कुछ टाइम निकालकर योग प्राणायाम करें, हमेशा घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं, नशे की लत है, नशे की आदत है तो छोड़ दें, फल फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करें, अपने डाइट में कच्ची चीजों को शामिल करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी, जिसे देखकर जानकर समझकर आप खुद को फिट और हेल्दी रख सकते हो। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक फैट बर्निंग ऑयल के बारे में। इसके अलावा हम एक चूर्ण भी बनाएंगे जिससे वजन तेजी से कम होता है। ये दोस्तों, ये रेमेडी जो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी तरह से नेचुरल है और इसे बनाने में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको मेरे द्वारा बताए गए रेमेडी को फॉलो करने हैं। मैं आपको इस ऑयल के बारे में बताने वाला हूँ। इस ऑयल से पेट और कमर के अलावा आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टांगे, बाजू में, कंधे और जांघे, जहां पर भी फैट ज्यादा जमा होता है आप इस ऑयल का इस्तेमाल करके इन एरियाज की चर्बी को बहुत ही आराम से बर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही ज्यादा आपको टाइम देना होगा। तो आइए जान लेते हैं इस ऑयल को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस ऑयल के बाद आपको फैट बर्निंग पाउडर बताऊंगा जिसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस फैट बर्निंग ऑयल को तैयार करना बहुत इजी है। इसमें हम उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो कि शरीर को गर्मी देती है और जिसके इस्तेमाल से आपके शरीर का जमा हुआ फैट बड़ी ही आराम से मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। इस तेल को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक मोटी कढ़ाई लेना है और हल्की फ्लेम पर हल्की आंच में चढ़ा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का तेल। यहाँ पर हम आधी कटोरी नारियल का तेल ले रहे हैं। नारियल का तेल दोस्तों आपके पेट की जमा हुई चर्बी को पिघलाने में बहुत हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं जो कि आपके शरीर की जमा चर्बी को पिघला देगी। ये बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है, स्पेशली आपके बैली फैट को कम करने के लिए। जो बाजार में महंगे स्लिम ऑयल मिलते हैं उसमें भी नारियल का तेल इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नारियल तेल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग एक कटोरी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल दोस्तों हमारी बॉडी को गर्मी देता है। सरसों के तेल से मसाज करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। इससे शरीर में जमा हुई चर्बी बहुत तेजी से बर्न होती है। सरसों का तेल दोस्तों आपको ओरिजिनल ही इस्तेमाल करना है। बाजार में कई ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं, मिलावटी होते हैं, तो उसका इस्तेमाल ना करें। तो आपको अच्छी क्वालिटी का सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम कुछ ऐसी चीज ऐड करेंगे जो कि आपके शरीर को गर्माहट देगी और आपके शरीर में जमा हुई चर्बी को तेजी से पिघलाने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच अजवाइन। वजन को तेजी से कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है, साथ ही साथ इसकी तासीर भी बहुत गर्म होती है। फैट बर्न करने के अलावा ये बॉडी पेन, दर्द में भी बहुत फायदेमंद है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जायफल। ये जायफल दोस्तों आपको किसी भी किराने की दुकान में, मसाले वाली दुकान में मिल जाएगी। आप इस तरह का जायफल ले आइए और इसका आधा आप पाउडर बनाकर घस कर इस तेल में डाल दीजिए। ये दोस्तों शरीर को गर्मी देता है, मांसपेशियों के दर्द को भी ठीक करता है। इससे आपके शरीर की जमा चर्बी बहुत ही आसानी से कम होती है। जायफल के बाद इसमें डालेंगे हम दो टिकिया कपूर। कपूर आपके घर में आराम से मिल जाएगा, इस तरह का कपूर, इसे हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें डालनी है एक चम्मच कलौंजी। आपको किसी भी किराने की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। कलौंजी में एंटी माइक्रोबियल गुण होती है जो कि पेट से रिलेटेड कई समस्याओं जैसे इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट का फूलना और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम में आपको आराम दिलाता है। यह आपके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी को जमा नहीं होने देगा।
दोस्तों, कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि ये मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा है। कलौंजी के बहुत से औषधीय गुण होते हैं। आप इसके फायदे जानना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप टाइम निकालकर जरूर देखना। कलौंजी के बाद इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा। दोस्तों, जितने चीज हमने उपयोग की है सारी चीजें गर्म तासीर की है, सारे मसाले हैं जो आपके बॉडी फैट को बहुत तेजी से बर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया था 1/2 कटोरी नारियल तेल, 1 कटोरी सरसों का तेल, उसमें हमने 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 जायफल पाउडर, 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी के बाद हमने मिलाया इसमें 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी चीजों को मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसे गैस से उतार दीजिए और छान कर किसी कांच के बर्तन या फिर बोतल में रख लेना है। दोस्तों, ये आपका ऑयल बनकर तैयार हो गया है। इस ऑयल से आपको रोज रात को सोने से पहले मालिश करनी है और जहां पर भी फैट जमा है वहां इसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप थाइस पे कर सकते हो, हिप्स पे कर सकते हो, आप टमी फैट, बैली फैट पर भी कर सकते हो। कई बार गर्दन के पीछे फैट जमा हो जाता है, वहां पे भी आप इस तेल से मसाज कर सकते हो। आपको क्या करना है कि इस तेल से आपको लगभग 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है। ऑयल से आपको हल्के हाथों से मसाज करना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल जो है त्वचा के अंदर जाए, स्किन के अंदर जाए। दोस्तों, ये आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसे कुछ दिनों के इस्तेमाल से आप महसूस करोगे कि आपका वजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इससे आप मालिश करोगे तो आपको नींद भी गजब की आएगी। इसके अलावा जिनको भी हाथ पैर बदन में दर्द रहता हो, पिंडलियों में दर्द रहता हो, तो उस दर्द के लिए भी इस तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तेल से मसाज करके सो जाइए। आप इस तेल से तलवों पर भी मसाज करके सोइए। इसके अलावा दोस्तों, फैट बर्न करने के लिए एक जबरदस्त औषधि के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 4 चीजें यूज करना है। पहला है दोस्तों इसबगुल पाउडर। ये इसबगुल पाउडर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये अपने लैक्सेटिव, कूलिंग और डायुरेटिक गुणों की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, पेट यानी कि आपकी आंतों में मौजूद वेस्टेज की वजह से ही शरीर में फैट बढ़ने लगता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो आंतों और पेट में मौजूद वेस्टेज गंदगियों को, वेस्टेज यानी गंदगियों को बाहर करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिससे पाचन बहुत ही अच्छे से हो पाता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। दूसरी चीज हम इसमें मिला रहे हैं वह है जीरा। अगर आपकी मेटाबॉलिक रेट कम है तो आपका शरीर शुगर और फैट का उपयोग नहीं कर पाएगा, जिसे शरीर में मोटापा बढ़ता है। बहुत से लोगों की दिक्कत ये होती है कि वो 1 रोटी भी खाते हैं, 1 चपाती भी खाते हैं तो भी उनका वजन बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से होता है। बॉडी शुगर और फैट का यूज नहीं कर पाता, जिससे शरीर में फैट धीरे धीरे जमा होने लगता है। जीरा दोस्तों मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का काम करता है, जिससे शरीर में फैट नहीं बढ़ता और बढ़ा हुआ जमा फैट है उसे बर्न करने में हेल्प करता है। अब अगली चीज जो मिलाने वाले हैं वो है दोस्तों सौंफ। सौंफ वजन को कम करने के लिए और शरीर में बढ़े हुए पानी को कम करने में मददगार होता है। सौंफ से मेटाबॉलिक रेट आसानी से बढ़ता है और वजन कम होता है। शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करता है, साथ ही ये डाइजेशन बेहतर करता है। आयुर्वेद में दोस्तों खाना खाने के बाद सौंफ खाने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि खाए वह खाना जो है आसानी से पच जाए। चौथी चीज जो हम इसे मिलाने वाले हैं दोस्तों वो है मेथी के दाने। मेथी पानी और मेथी के फायदों के बारे में बखूबी आप जानते होंगे। मेथी में ग्लैक्टोमेनन नाम का तत्व पाया जाता है जो हेल्दी होता है और फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। यह शरीर से एटीपी के रूप में फैट बर्न करने का काम करता है। इसके अलावा यह फाइबर से भरपूर होता है जो पेट के सभी प्रॉब्लम को तुरंत दूर करते हैं। इसमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि काफी जल्दी वेट लॉस करते हैं। तो आपको कितनी मात्रा में लेना है जरा देख लीजिए। 2 चम्मच इसबगुल, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच बड़ी सौंफ और 1 चम्मच मेथी यूज करेंगे। दोस्तों, जीरा और मेथी दोनों की तासीर काफी गर्म है। इस गर्मी के मौसम में कैसे उपयोग करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जीरा, सौंफ और मेथी को तवे पर लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। फिर इसे ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए। इसमें इसबगुल मिक्स करके किसी एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए। आपका फैट बर्नर पाउडर तैयार है। इससे मोटापा, फैट तो बर्न होगा ही, साथ ही साथ इससे शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ये गुड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करता है। गठिया, अर्थराइटिस, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाने में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा बालों को हेल्दी रखेगा, आंखों की रोशनी तेज करेगा, स्किन को ग्लोइंग और साफ रखेगा। साथ ही साथ जिन्हें भी कब्ज की समस्या है, एक बार में पेट साफ नहीं होता तो उनके लिए भी ये पाउडर काफी फायदेमंद है। ध्यान ये रखना है कि इसका सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है, दूध पिलाने वाली माताएं कर सकती हैं। वात, कफ, पित्त प्रकृति के लोग बेफिक्र होकर इसका सेवन कर सकते हैं, इसे उपयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। इसका यूज कैसे करना है जरा देख लीजिए।
आपको इस पाउडर का 2 चम्मच आधा लीटर पानी में रात को भिगोकर छोड़ देना है। और सुबह सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बासी मुंह बगैर कुल्ला किए बगैर ब्रश किए 2 से 3 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है। उसके बाद जो ये पाउडर वाला पानी है उसे गर्म कर लीजिए, गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करके किसी बर्तन में ढककर रख दीजिए। इसका इस्तेमाल हम खाना खाने के 10 मिनट पहले करेंगे। आप दोपहर का खाना खाओगे और रात का खाना खाओगे, उसके 10 मिनट पहले इस पानी को पीना है। इस पानी को 2 भाग में बांट लीजिए। दिन भर में आपको 2 बार इसका इस्तेमाल करना है, खाना खाने के 10 मिनट पहले। दोस्तों इस तरह आपने 1 महीने ले लिया तो आपका वजन बहुत ही आसानी से 8 से 10 किलो तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ इस फैट बर्निंग ऑयल का भी इस्तेमाल करना है। आपको मैं फैट लॉस करने वाले कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ, इसे ध्यान में रखिएगा। दोनों हथेलियों में अंगूठे के पास जो उभरे वाले हिस्से होते हैं उस पर 2 मिनट तक प्रेशर देना है। ऐसा पैरों पर भी कीजिए। देखिए इस जगह पर आपको इस तरह से प्रेशर देना है। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, नौकासन योग करें, सेतु बंध आसन करें और 2 से 3 सेट सूर्य नमस्कार करें। आप 2 से 3 सेट प्लैंक भी कर सकते हो। 1-1 मिनट का प्लैंक भी 2 से 3 सेट कर लिए तो ये आपका जो टमी फैट है उसे कम करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आज हमने जाना फैट बर्निंग ऑयल के बारे में, दूसरा फैट बर्निंग पाउडर के बारे में और कुछ योगासन के बारे में जो आपके वजन को, बढ़े हुए चर्बी को, मोटापे को तेजी से कम करने में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।